बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। खाने की चंद सुन्नतें समात फरमाएं। नंबर एक, दस्तरखान बिछाना। नंबर दो, दोनों हाथ गिट्टों तक धोना। नंबर तीन, बिस्मिल्लाह पढ़ना बुलंद आवाज से। नंबर चार, दाहिने हाथ से खाना। नंबर पाँच, खाना एक किस्म का हो तो अपने सामने से खाना। नंबर छः, अगर कोई लुकमा गिर जाए तो उठाकर साफ करके खा लेना। नंबर सात, खाने में कोई ऐब ना निकालना। नंबर आठ, जूता उतार कर खाना खाना। नंबर नौ, खाने के बाद बर्तन प्याला और प्लेट को साफ कर लेना फिर बर्तन, इसके बाद दुआए मगफिरत करना। नंबर दस, खाने के बाद उंगलियों को चाटना। नंबर ग्यारह, खाने के बाद की दुआ पढ़ना और वह दुआ भी समात फरमाएं। वह दुआ ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसकाना वजअलना मुस्लिमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। नंबर बारहवीं सुन्नत है, पहले दस्तरखान उठवाना और फिर खुद उठना। फिर इसके बाद नंबर तेरह है, दोनों हाथ धोना। नंबर चौदह है, कुल्ली करना। और नंबर पंद्रह, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूँ पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत है, बिस्मिल्लाही अव्वलाहू वाखिराहू। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों को जानने और उन सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। यकीनन जब हम प्यारे आका हुज़ूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की पैरवी करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ये ज़िंदगी भी खूबसूरत और अच्छी हो जाएगी और हमारी आने वाली ज़िंदगी भी, यानी आफ्टर डेथ जो हमेशा की ज़िंदगी है, वो भी बेहतरीन होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।